नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एबी इज इक्वल टू डीई, एबी इज पैरेलल टू डीएफ, बीसी इज इक्वल टू ईएफ और बीसी इज पैरेलल टू ईएफ। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। आपको दर्शाना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ और ए डी इज इक्वल टू सी एफ, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ और त्रिभुज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई और ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। आप देखें ए बी को डी ई के इक्वल दिया और ए बी को पैरेलल बताया गया, बी सी यहाँ पर है इसको ई एफ के इक्वल बताया गया और पैरेलल बताया गया, समांतर बताया गया। तो हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी जो है वो सी पैरेलल सी एफ है और ए डी इज इक्वल टू सी एफ, चतुर्भुज ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है और त्रिभुज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ठीक है ना, देखिए छोटी छोटी बातों में ये चीज सिद्ध जाएगी, छोटी छोटी बातों में। यदि आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट देखना है और अदर चैप्टर्स के जो आइका आइकन बना हुआ उस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आप उससे भी अपनी स्टडी कीजिएगा। यहाँ पर ए बी ई डी में ए बी इज इक्वल टू डी ई और ए बी इज पैरेलल टू डी एफ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ए बी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी ई होगा, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, राइट डी ई, ओके ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, क्लियर हो गया। और यहाँ पर चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से भाई एक आपके यहाँ पर सम्मुख भुजा बराबर हो गई और वो दूसरी बात समांतर भी यहाँ पर सिद्ध है, तो यहाँ चतुर्भुज ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर हो तो आकृति जो होती है वो समांतर चतुर्भुज होती है। इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि ए डी बराबर बी ई है और ए डी इज पैरेलल टू बी ई है, यहाँ पर इसको आप इक्वेशन वन बना देंगे क्योंकि ये इक्वेशन आगे काम आएगा। दूसरी बात है कि बी ई एफ सी आपके पास है, बी ई एफ सी जो नीचे तली पर है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी एफ जो सी एफ होगा वो बी ई के इक्वल हो जाएगा और सी एफ बी के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तीसरी बात है कि समीकरणों से जो हमने बनाया था वो आप काम आ जाएगा। समीकरण नंबर एक और दो से ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, यहाँ पर ए डी इक्वल टू सी एफ होगा, तो ए सी एफ डी जो होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ए सी इज पैरेलल टू डी एफ होगा, जहाँ पर ए सी इज एक पैरेलल टू डी एफ होगा या ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगा, और ये समीकरण नंबर आपका 3 बन जाएगा। यहाँ पर ए सी एफ डी में आपने देखा कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर ए सी डी एफ, ए सी और डी एफ,
इक्वल होगा, यही इसके पैरेलल हो जाएगा। एसी एडी इज इक्वल टू सी एफ, एडी इज इक्वल टू सी एफ, एडी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी सम्मुख हो जाए तो एडी इज पैरेलल टू सी एफ। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि एसी एफडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अगली बात आपको बतानी है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ क्या कॉन्ग्रुएंट है, इस बात को आपने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एबी इज इक्वल टू डीई क्वेश्चन में है, बीसी इज इक्वल टू ईएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसी इज इक्वल टू डीएफ आपने समीकरण नंबर 3 से ले लिया। ठीक, तीनों से आपने देखा तो आपको मिला कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो डीईएफ के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा आवाज बाजारी साइड से डिस्टरबेंस है तो उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है तो कहीं कहीं आवाज़ तो आएगी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पर अर्जुन की तरह से ध्यान देना है। ठीक है, और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट या किसी और चैप्टर की प्लेलिस्ट, जो अन्य चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसे आई के आइकन पर, यहाँ जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप दूसरे चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।